चाणक्य नीति को लोग आज भी पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी नीतियां हर काल के लोगों को शिक्षित करती है। उनकी नीतियों पर चलकर कई लोगों ने जीवन में सफलता अर्जित की है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जवानी में ये 7 गलतियां करता है तो समझो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसे जीवन में फिर बस संघर्ष ही करते रहना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी 7 गलतियां हैं। पढ़ाई के प्रति लापरवाही। चाणक्य नीति के अनुसार यदि युवावस्था में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और बस आलस्य या मनोरंजन में ही लगे रहे हैं तो आगे जाकर आपको करियर में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी मिलेगी नहीं तो फिर संघर्ष में रहना होगा। आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना पूरे जीवन भर करना पड़ सकता है। किसी कार्य को टालते रहना। जो लोग अपने हर कार्य को टालते रहते हैं या कल तक के लिए स्थगित करते रहते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन का कोई सा भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें हर कदम पर असफलता का सामना करना पड़ सकता है। फिजूल खर्च। जो लोग अपने जीवन में फालतू का खर्च करते रहते हैं, खर्चों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। संकट काल में उनके पास धन नहीं होता है। गलत संगति। कई लोगों को अपनी जवानी में मौज मस्ती से ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग गलत संगति में पड़ जाते हैं। गलत संगत में पड़कर वे बुरी आदतों की लत लगा लेते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। जवानी में उनका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो जाता है। सेहत की अनदेखी। जवानी में कई युवा खान पान और फिटनेस का ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में वे किसी भी गंभीर रोग की चपेट में आ जाते हैं। फिर भी कई लोग तो उसकी भी अनदेखी कर देते हैं। बाद में उनका पूरा पैसा अस्पताल में ही बर्बाद हो जाता है। आगे जाकर जीवन कठिन हो जाता है। छठा, बड़ों का आदर नहीं करना। अक्सर जवानी में लोग अपनी शक्ति या जोश के घमंड में रहते हैं। ऐसे में वे अपने घर के और बाहर के किसी भी बड़े व्यक्ति का आदर नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बाद में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गैर जिम्मेदारी वाला व्यवहार। कई युवा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते हैं। फिर वह चाहे घर के हो या बाहर की, वे जिम्मेदारी लेने से बचते भी हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ को सीरियसली कभी भी नहीं लेते हैं। वह बस अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसे में उन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और वे आगे बढ़ने की क्षमता भी खो चुके होते हैं।